हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडीएन प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलग अलग टाइप के हैमर देख रहे हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में हथौड़े बोलते हैं। एक्चुअली जब आप इन्हें परचेस करते हैं या यूज़ करते हैं तो आप एक ही नाम से जानते हैं, हैमर। बट चूंकि इंजीनियरिंग में इनका अलग महत्व है, इनका उपयोगिता जो है वो इनके कामों के आधार पर बांटी गई है, उसी आधार पर हम इन्हें इनका एक नाम देते हैं। नाम का भी एक वर्क होता है कि इस नाम का पर्टिकुलर हैमर इस काम में यूज़ होगा। तो हम आज अलग अलग हैमर्स को देख रहे हैं। अब हम उन्हें उनके काम के आधार पर उनके नाम को देखेंगे और उनकी वर्किंग को देखेंगे। ये होता हमारा मैलेट हैमर। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग सीट मेटल शॉप में किया जाता है और इससे जो भी चाड़ी वगैरह है या टीन्स के जो शीट्स वगैरह हैं उसे मोड़ने का काम किया जाता हैगा। ये होता है हमारा स्लैज हैमर। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम स्मिथी शॉप में करते हैंगे। देख सकते हैं इसका जो वेट होता है ये 4 kg से लेकर 10 kg तक होता हैगा। ये डबल फेस हैमर हैगा। इसमें कन्फ्यूज़न होगा, बोलेंगे ये भी डबल फेस है ये भी डबल फेस, तो अंतर क्या है? अंतर वेट का होता है इन दोनों में। ये 1 kg का हैगा, ये 4 kg का हैगा। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग आप स्मिथी शॉप में करते हैं और इसका भी यूज़ हम सबसे ज़्यादा स्मिथी शॉप में ही करते हैंगे। इसके बाद होता हैगा क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन कहने का मतलब ये है जो अक्रॉस करता हैगा, ये इसके वर्टिकल जो हैंडल देख रहे हैं जिसे हम होल्ड करते हैं इसे क्या कर रहेगा, क्रॉस कर रहेगा, इसलिए हम इसे कहते हैंगे क्रॉस पिन हैमर। इसके बाद ये होता है हमारा बॉल पिन हैमर। इसका जो सिरा होता हैगा ये बॉल के जैसा होता हैगा, इसीलिए हम इसे कहते हैंगे बॉल पिन हैमर। एंड लास्ट ये होता है हमारा क्लॉ हैमर। कई लोगों के घरों में भी होगा ये, आप इसे देख सकते हैंगे। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कारपेंट्री शॉप में किया जाता हैगा। जब हम कील वगैरह जॉब में लगाते हैं अगर वो टेढ़ी हो जाती है या सही तरीके से नहीं लगती हैगी तो उसे निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लॉ हैमर का। इसका जो सिरा हैगा ये इसी तरह से डिज़ाइन किया गया हैगा कि जो भी आप कील वगैरह हैं उसे इजीली निकाल सकें। तो ये होता है हमारा क्लॉ हैमर।